नमस्ते दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं डोनगांव तहसीलमेकर जिला बुढ़ाना में। यहाँ पर संभाजी उत्तम पांडव और साथ में हमारे वारकरी संप्रदाय के शंकर महाराज जी है, और यहाँ पर सर्प मित्र विनय जी कुलकर्णी एवं सर्प मित्र वनिता बोराड़े और गांव के बहुत सारे हमारे सगे संबंधी एवं मित्रजन परिवारजन यहाँ पर उपस्थित है। और इन सभी के संयोग से यहाँ एक कुएं में गिरा हुआ बहुत ही भारी भरकम स्पेक्टाकल कोबरा प्रजाति का जो सांप है उसको पकड़ने की मुहिम अभी शुरुआत हो रही है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कुएं में एक बहुत ही भारी और ज़बरदस्त नाग गिरा हुआ है जो कल से पानी में तैर रहा है दोस्तों। और सांप जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इतना ही नहीं तो पेड़ पर भी दिखते हैं, लेकिन पानी के सांप अलग होते हैं। ये जो सांप है इलापीढ़ी कुल का बहुत ही जहरीला एवं न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन धारण करने वाला कोबरा है, स्पेक्टाकल कोबरा है, गुलाबी रंग का है, बहुत ही भारी भरकम है। और इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक मुहिम जो है वो मुहिम बनाई जा रही है। सांप को पकड़ना अनिवार्य है, इसके लिए लकड़ियों का एक ढेर रस्सियों के साथ बांधकर उसको नाक के सामने छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको पानी को नहीं स्पर्श करना, उसको पानी को स्पर्श नहीं करना है, बिल्कुल धीरे 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 सामने सामने लाओ सामने लाओ सामने सामने लाओ, बिल्कुल धीरे से आराम आराम से आराम आराम से दोनों तरफ से एक जैसा नीचे छोड़िए, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से नीचे छोड़ने का है, दोनों भी तरफ से नीचे छोड़ो धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल धीरे 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 से बिल्कुल बिल्कुल धीरे से बिल्कुल धीरे से रख दीजिए, अंदर निकल चला जाएगा वो, जो बीच की रस्सी है उससे खींचना है, बस 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 उसको पास होने दीजिए, अंदर साइड में जा रहा है, आने दीजिए थोड़े आगे, इस रस्सी को छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे से आप छोड़िए जरा, दोनों तरफ से एक जैसा छोड़िए, थोड़ा छोड़िए जरा। हाँ बस बीच में के व्यक्ति की बहुत ही मेहनत लगेगी इसमें। दोस्तों कुएं के नीचे एक लकड़ियों का जो ढेर है रस्सियों के साथ छोड़ा गया है, और धीरे धीरे सांप के सामने इसको लाया जाए।
ये दे घबरना। अरे आदर 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 मैडम ही करोगा। हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता जी, साथ में विनय जी कुलकर्णी। बहुत ही सुंदर नाक को बिल्कुल हाथ से उठाना पड़ा सर जी बोतल। और कभी कभी क्या होता है कि सांप जब कुएं से बाहर निकालने की प्रोसीजर होती है तो छलांग लगा देता है और इतनी बड़ी मेहनत पानी में चली जाती है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल अपने सांस एवं जाबाज तरीके से सर्पमित्र वनिता जी बोराड़े, इन्होंने तत्परता से इस नाक को उठा लिया है और बहुत ही सुंदर रेस्क्यू सर जी। हम लोग देख रहे हैं हमने जो ट्रिक इस्तेमाल की थी इसका बहुत अच्छा और सही हमको इम्पैक्ट मिल चुका है। हम लोग देख रहे हैं सांप को मैडम जी के साथ में, बहुत ही अच्छी जबरदस्त रेस्क्यू। साथ में हमारा बाल सर्पमित्र मानव, सभी के सभी लोगों ने एक यशस्वी रूप से एक मुहिम चलाई और इसके तहत सांप को पकड़ा गया है जो कल सवेरे से पानी में तैर रहा था, इसलिए थोड़ा थक चुका है, फन नहीं फैला रहा है। दोस्तों इस पकड़े गए सांप को हम वन विभाग के सहायता से पूरी इसकी जो लीगल प्रोसीजर है कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इसको जंगल में छोड़ देंगे नैसर्गिक आदिवासी में। सर जी लीजिए मैडम जी, थोड़ा पीछे मुझे समय कम मिल रहा है। हम देख रहे हैं आदरणीय पांडव जी का ये हरा भरा खेत और यहाँ पर जो पानी की खेती होती है और बहुत सारी भिंडी लगी हुई है, बहुत सारी सब्जियां खेत में उगी है। हम देख सकते हैं कुएं से लगातार पानी निकाला जाता है और यहाँ पर गोभी का भी खेत है सांप के। बहुत ही सुंदर दृश्य। महाराष्ट्र में हो चुका है और इस देवी या महालक्ष्मी के पवित्र पर्व काल में घर में और खेतों में सांप पाए जा रहे हैं। दोस्तों सर्पमित्र विनय जी कुलकर्णी जिन्होंने साहसता पूर्वक इस सांप को बहुत ही सहजता से उठा लिया और इस प्लास्टिक जार में बंद कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं सर्पमित्र वनिता एवं विनय जी कुलकर्णी सर दोनों ने मिलकर इस मुहिम को यशस्वी रूप से अंजाम दिया है। इसको वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ा जाएगा। सर जी आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हमारे समाज बांधव जो है पांडव जी, संतोष पांडव जी और इनके भाई का ही खेत है और यहाँ पर सांप, हाँ महाराज जी का खेत है, सांप पकड़ा गया। बहुत ही संतोष उन्होंने व्यक्त किया क्योंकि सांप जो है जानलेवा प्राणी है, इससे खतरा बना रहता है, मारने से अच्छा है कि पकड़ दिया जाए। और महाराष्ट्र में धार्मिक भावनाओं के अनुसार लोग सांपों को मारते नहीं, भगवान शिव जी का आभूषण है, गणेश जी का आभूषण है, इतना ही नहीं तो पुण्य पर्व काल चल रहा है और ऐसे पुण्य परिस्थितियों में मारकर हत्या कर पाप करना उचित नहीं होता, इसलिए धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए इस सांप को यहाँ पर बचाया गया है। सर्पमित्रों की सहायता ली गई है। दोस्तों इस सांप को हम वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। महाराज जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सहायता की हमारी, हम आपके बहुत सारे आभारी है। धन्यवाद महाराज जी। कभी भी सांप निकला तो आप कॉल करिए, हमारी सेवा जो है आपके लिए तत्परता से बिल्कुल तैयार है। कभी बुलाए, दिन हो रात हो कभी हो, सांपों को मारना नहीं है। धन्यवाद। आज महालक्ष्मीच्या पवित्र पर्वावर गौरी गणेशांचं आगमन महाराष्ट्रामध्ये झालेलं असताना आपण बघतो आहे सर्पमित्र वनिता बोराडे यांनी इथे उल्लामाले आरोग्य आश्रमाला भेट देत डोणगावमध्ये आदरणीय हरिभक्त पारायण शंकर महाराज पांडव यांच्या विहिरीमध्ये पडलेला हा भला मोठा नाग यशस्वीरित्या पकडलेला आहे। आपण बघतोय सोबत सर्पमित्र वनिता बोराडे, आमच्या डॉक्टर ताई सोबत आदरणीय डॉक्टर गजाननजी उल्लामाले, अक्षय भैया, आज खरं तर आमचे अक्षदादासुद्धा MBBS डॉक्टर आहेत, साहेबसुद्धा आहेत आणि ताईसुद्धा डॉक्टर आहेत आणि आमचे आदरणीय पाहुणेसुद्धा आज आमच्यासोबत उपस्थित आहेत। या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये एवढ्या मोठ्या विषारी सापाला आपण इतके जवळून बघतो आहे, खरं तर हा अतिशय दुर्मिळ क्षण आहे। आदरणीय सर्पमित्र विनयजी कुलकर्णी साहेब यांनी या मोहिमेत आज सहभाग नोंदवत त्यांचं सर्पविषयक जे कौशल्य आहे ते आपण बघतो आहे। सरांनी अगदी मोठ्या शिताफीने या नागाला हातावर उभं केलं होतं,
पकड़े सगले साप वन विभागामार्फत अपन जंगलात सोड़ो कुछ सापाला पकड़ून त्याला जीवदान देणं आणि लोकांमध्ये प्रबोधन करून जंगलात सोडणं हे सर्पमित्रांचं प्रमुख कार्य असतं। मित्रांनो, या सापांना पकडून कोणताही खेळ करणे किंवा स्टंटबाजी करणे हा त्यामागचा उद्देश नाहीये। साप हे भारतीय संविधानाने संरक्षित केलेले अतिशय महत्त्वपूर्ण वन्यजीव असून त्यांची हत्या न होऊ देता त्यांचं रक्षण करणे हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे आणि नेमकं याच भावनेला डोळ्यापुढे ठेवत पर्यावरणाच्या शुद्धतेसाठी पर्यावरणीय महत्त्वासाठी आणि मित्रांनो आपल्या सृष्टीच्या एका सहजीवनासाठी साप वाचवणं खूप महत्त्वाची बाब आहे आणि म्हणूनच सर्पमित्र वनिता बोराडे मागील 35-40 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये हे काम करत आहेत। वने वन्यजीव निसर्ग आणि पर्यावरणावर प्रेम करणारी अशी ही सगळी अतिशय सुसंस्कृत अशी मंडळी आहे ज्यांना या वन्यजीवांचं आणि निसर्गाचं महत्त्व माहीत असल्यामुळे लोकांमध्ये ते प्रचार प्रसार करून साप वाचवण्यासाठी सहकार्य करतात।